मुझे नींद। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कंटारा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 18 के बारे में। दोस्तों बात करें फिल्म कंटारा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 18 की, तो फिल्म का कनाडा का बॉक्स ऑफिस और कमाई लगातार जारी है। वहीं फिल्म का हिंदी वर्जन में भी काफी बढ़िया रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। दोस्तों बात करें फिल्म कंटारा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 18 की, तो फिल्म कंटारा का डे 18 के अंदर वर्ल्ड वाइड 5 से लेकर 7 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन रहा। जहाँ फिल्म का कनाडा से 2 से लेकर 5 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन रहा। वहीं फिल्म का हिंदी से 1 से लेकर के 1.5 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन रहा। फिल्म का तेलुगु से 2 से लेकर के 3 करोड़, तो वहीं फिल्म ने तमिलनाडु से 0.2 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया है। दोस्तों इसी के साथ फिल्म कंटारा का अभी तक टोटल बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन 121.85 से लेकर के 123.85 करोड़ का हो चुका है। जहां फिल्म का हिंदी से टोटल 8.52 करोड़ से लेकर के 9.02 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन रहा है। दोस्तों फिल्म कंटारा की बात करें तो फिल्म कंटारा अपने होम टाउन यानी कर्नाटका में बहुत ही बेहतरीन कमाई की है। लेकिन फिल्म को 14th अक्टूबर 2022 को हिंदी में भी रिलीज किया गया था, जिसके चलते फिल्म का कलेक्शन में दुगना तिगना इजाफा देखने को मिल रहा है। दोस्तों फिल्म कंटारा को मात्र 16 करोड़ के बजट में तैयार किया गया था और फिल्म अपने बजट के मुकाबले बॉक्स ऑफिस में 100 करोड़ के आंकड़े को छू गई है। फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हिट हुई है। फिल्म कंटारा को आपने देखी या ना देखी, आपकी इस फिल्म को लेकर क्या राय है कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। चलिए दोस्तों बात करते हैं जान विक्रम, सूर्य राय बच्चन, कार्ती, ट्रिशा कृष्णन एंड जयाम रवि स्टारो फिल्म पोनियन सेल्वन 1 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 18 के बारे में। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि फिल्म पोनियन सेल्वन 1 का कमाई का रफ्तार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। फिल्म पोनियन सेल्वन 1 का कमाई का रफ्तार लगातार जारी है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रुकने का नाम नहीं ले रही है। फिल्म कलेक्शन करने के मामले में हर दिन नया रिकॉर्ड बना रही है। दोस्तों बात करें पोनियन सेल्वन 1 के डे 18 कलेक्शन की, तो फिल्म का डे 18 के अंदर वर्ल्ड वाइड 4.25 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन रहा। जहां फिल्म ने तमिलनाडु से 2.25 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया। इसी के साथ फिल्म पोनियन सेल्वन 1 का अभी तक टोटल बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन वर्ल्ड वाइड में 466.75 करोड़ का हो चुका है। जहां फिल्म का तमिलनाडु से 206.9 करोड़, ऑल इंडिया से 207 करोड़, ओवरसीज से 159.5 करोड़, हिंदी प्लस रेस्ट ऑफ इंडिया से 30.9 करोड़, तेलुगु से 17.75 करोड़, केरला से 22.8 करोड़, तो वहीं फिल्म का कर्नाटका से 28.9 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन रहा है। दोस्तों फिल्म पोनियन सेल्वन 1 की बात करें तो फिल्म पोनियन सेल्वन 1 के दोनों पार्ट्स को मिलाकर 500 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है। फिल्म पोनियन सेल्वन 1 बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है। फिल्म पोनियन सेल्वन 1 को आपने देखी या ना देखी, आपकी इस फिल्म को लेकर क्या राय है कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। चलिए दोस्तों बात करते हैं फिल्म विक्रम वेधा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 18 के बारे में। दोस्तों बात करें फिल्म विक्रम वेधा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 18 की, तो फिल्म विक्रम वेधा का डे 18 के अंदर 0.40 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन रहा। इसी के साथ फिल्म विक्रम वेधा का अभी तक टोटल बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन 78.1 करोड़ का हो चुका है। दोस्तों वहीं फिल्म विक्रम वेधा का टोटल वर्ल्ड में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो फिल्म विक्रम वेधा का टोटल वर्ल्ड में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 128.5 करोड़ का हो चुका है। दोस्तों फिल्म विक्रम वेधा को 175 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है। फिल्म के इस बजट के आंकड़े तक पहुंच पाना मुश्किल लग रहा है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हो रही है। फिल्म विक्रम वेधा साउथ की फिल्म विक्रम वेधा का हाई प्रोफाइल हिंदी रीमेक है। फिल्म विक्रम वेधा के ऊपर आपकी क्या राय है, फिल्म विक्रम वेधा आपने देखी या ना देखी कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। चलिए दोस्तों बात करते हैं फिल्म गॉडफादर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 13 के बारे में। दोस्तों बात करें फिल्म गॉडफादर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 13 की, तो चिरंजीवी स्टारर फिल्म गॉडफादर ने अपने डे 13 के अंदर 1.5 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया। इसी के साथ फिल्म गॉडफादर का अभी तक टोटल बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन 116.16 करोड़ का हो चुका है। जहां फिल्म का आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना से 74.05 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन रहा है। दोस्तों सलमान खान एंड चिरंजीवी स्टारर फिल्म गॉडफादर को 135 करोड़ के बजट में तैयार किया गया था। फिल्म को हिट होने के लिए 150 करोड़ के आंकड़े को छूना होगा। वहीं दोस्तों आप सभी को बता दूं कि फिल्म गॉडफादर में सलमान खान का एक कैमियो रोल है। और वहीं दोस्तों सलमान खान और चिरंजीवी फर्स्ट टाइम बड़े स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते फैंस में काफी एक्साइटमेंट है। फिल्म गॉडफादर को आपने देखी या ना देखी, आपकी इस फिल्म को लेकर क्या राय है अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। चलिए दोस्तों बात करते हैं फिल्म डॉक्टर जी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 4 के बारे में। दोस्तों बात करें फिल्म डॉक्टर जी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 4 की, तो फिल्म डॉक्टर जी का डे 4 के अंदर वर्ल्ड वाइड 1.50 करोड़ का एस्टीमेट कलेक्शन रहा है। इसी के साथ फिल्म डॉक्टर जी का अभी तक टोटल बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन 16.53 करोड़ का हो चुका है। दोस्तों आयुष्मान खुराना स्टारर फिल्म डॉक्टर जी बॉक्स ऑफिस पर अपने स्टार्टिंग डे 1 में एवरेज शुरुआत की थी। फिल्म के बजट की बात करें तो फिल्म को 35 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है। वहीं फिल्म को हिट होने के लिए 45 करोड़ के आंकड़े को
को छूना होगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं फिल्म ब्रह्मास्त्र पार्ट वन शिवा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 39 के बारे में। दोस्तों बात करें फिल्म ब्रह्मास्त्र पार्ट वन शिवा के डे 39 कलेक्शंस की, तो फिल्म ब्रह्मास्त्र पार्ट वन शिवा ने डे 39 के अंदर 0.20 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया, जहां फिल्म का हिंदी से 0.15 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन रहा। इसी के साथ फिल्म ब्रह्मास्त्र पार्ट वन शिवा का अभी तक टोटल बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन 424.35 करोड़ का हो चुका है, जहां फिल्म का हिंदी से 237.85 करोड़, तो वही फिल्म का इंडिया और लैंग्वेज से 259.05 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन रहा है। तो दोस्तों ये था लेकर चुका हाल फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस का। पोस्ट पसंद आया तो लाइक करिएगा सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बॉलीवुड के गलियारे से लेटेस्ट खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे एंटरटेनमेंट न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।